नमस्कार साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य कार्य के बारे में, एमपी स्पेशल के बारे में। पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे हम लोग मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। अब इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार के बारे में। ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में सातवां स्थान है। उद्योग विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सातवां। राज्य की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 14%। राज्य की जीडीपी में उद्योग का योगदान 2011-12 में 29.38% आ रहा है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1981 में। याद रखिए, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 431,555 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पारित हुए। यह समिट 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2014 में इंदौर में आयोजित की गई थी। प्रदेश में 27 औद्योगिक क्षेत्र समिट के माध्यम से 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बात करते हैं हम लोग आगे, देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करें। औद्योगिक केंद्र तो पीथमपुर धार, पुरैना पन्ना, मालनपुर भिंड, मेघनगर झाबुआ, मनेरी मंडला, पीलूखेड़ी, ये राजगढ़ में। केंद्र के द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक पीथमपुर धार मध्य प्रदेश में है। इसे औषधि और वाहन के संकुलन के लिए के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीथमपुर धार में मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम कंपनी विकसित कर रही है। पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग सेंटर विकसित होगा। पीथमपुर धार को भारत का डेट्राइट, याद रखिए पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक कार निर्माता उद्योग लगे हुए। विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर धार में हीरा प्रसंस्करण का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह पीथमपुर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क पीथमपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में जापान के सहयोग से स्थापित है। जड़ी कढ़ाई उद्योग भोपाल में केंद्रित है, याद रखना। राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण कारखाना कहाँ है? बैतूल में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी केट सुख निवास रोड इंदौर में स्थित आणविक विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। यह लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। याद रखिए, एशिया का पहला है लेजर में, इंदौर में जो दुनिया का तीसरा केंद्र है। राज्य में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इंदौर है। राज्य का पश्चिमी भाग सूती कपड़ा हब है, जहाँ सभी 22 सूती कपड़ा मिल केंद्रित हैं। बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। आगा सौद बीना में तेल शोध संयंत्र स्थापित हो रहा है। टिश्यू पेपर महीन कागज बनाने का कारखाना इंदौर में है। आगे बात करते हैं, कृत्रिम रेशे से धागा ग्रीसीम इंडस्ट्रीज नागदा में बनाया जाता है, जबकि कृत्रिम रेशे से कपड़ा नागदा उज्जैन इंदौर ग्वालियर देवास में बनाया जाता है। राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के 2 कारखाने इंदौर में हैं, याद रखना। अखबारी कागज नेपा नगर हेतु सलाई की लकड़ी का प्रयोग होता है। मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र इंदौर,
भोपाल, गंजवासोदा। कास्टिक सोडा के तीन प्रमुख केंद्र हैं, अमलाई, नांगदा और नैपानगर। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कहाँ है? वरलाई में। राज्य की दो सरकारी सहकारी राज्य की दो सहकारी चीनी मिलें हैं, वरलाई देवास में और कैलारस मुरैना में। आगे बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं। डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? इंदौर में। राज्य में रक्षा उत्पादन में 6 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें से 4 अकेले जबलपुर में हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक केंद्र पन्ना जिले में है। अपरेल पार्क इंदौर में बनाया गया। विजयनगर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना का निर्माण इटली एवं अमेरिका के सहयोग से के साथ किया सहयोग के किया गया है सहयोग से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में की गई। कौन सी? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई। एंडो जर्मन टूल की स्थापना इंदौर में की गई। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग के विकास केंद्र की स्थापना इंदौर में की। विदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना नागदा में है। आगे बात करते हैं, बुरहानपुर जिला पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिलेटिन बनाने की कारखाना जबलपुर में है। इंसुलिन बनाने का कारखाना देवास में है। खैरवा जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का कार्य विशेषतः पूर्व मध्य प्रदेश में किया जाता है, याद रखना। खैरवार जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का कार्य विशेषतः पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बानमौर मुरैना में स्थापित है। कच्चे लाख से सीड लाख तथा सैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया में है। इटारसी में चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड तथा ग्वालियर में दिया सलाई डिब्बे बनाने का कारखाना है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश की प्रथम उद्योग। तो प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम में 1934 में। प्रथम सूती मिल बुरहानपुर 1906 में। प्रथम सीमेंट प्लांट बानमौर मुरैना में 1922-23। प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर 1956। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम 1934, प्रथम सूती मिल बुरहानपुर 1906, प्रथम सीमेंट प्लांट बानमौर मुरैना 1922-23, प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर 1956 में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, संस्थाएं देखते हैं। संस्थाएं हो गई, ये मुख्यालय हो गए उनके और कार्य हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो इसका मुख्यालय भोपाल में है, 1965 में ये बना। इसका कार्य बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। फिर है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका कार्य है सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना। फिर है मध्य प्रदेश वित्त निगम, तो इंदौर में है मुख्यालय इसका। इसका कार्य है निजी एवं सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों को वित्तीय मदद देना। अगला है मध्य प्रदेश लघु
उद्योग निगम तो भोपाल में 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका कार्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और उनके कच्चे माल को बाजार में विपणन करना। फिर है मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका कार्य खादी उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर है मध्य प्रदेश हैंड लूम संचालनालय, तो यह है भोपाल में। इसका कार्य हैंडलूम तथा पावर लूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। फिर है अगला है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल, ये भोपाल में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय मदद उपलब्ध कराता है। फिर है मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, तो ये इंदौर में इसका मुख्यालय 1917 में गठित हुआ था। मुख्य कार्य है इसका शासन के अधीन सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना। फिर अगला है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, ये भोपाल में है। इसका कार्य है बहुमूल्य खनिजों की खोज खुदाई व व्यापार की व्यवस्था करना। फिर अगला है मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, तो इसका मुख्यालय भोपाल में। इसका कार्य है कृषि पर आधारित उद्योगों के में विकास उद्योगों के विकास में सहायता करना। अगला है हमारा मध्य प्रदेश निर्यात निगम, तो भोपाल में 1977 में बनाए भोपाल में मुख्यालय इसका। इसका कार्य छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन में के निर्यात की व्यवस्था करना। अगला है जिला उद्योग केंद्र, तो प्रत्येक जिले में है। इसका काम है उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना। आगे बात करते हैं लोग संयुक्त उपक्रमों की बात करें। एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इटारसी जिला होशंगाबाद में, यह दानेदार मिश्रित खाद। फिर दूसरा है आयल पशु आहार संयंत्र मुरैना, सरसों के तेल और पशु आहार से पोषण आहार संयंत्र धार या पोषण आहार, फल संवर्धन इकाई भोपाल, जैम जेली केचप पेय पदार्थ बनता है। प्रस्तावित प्रतिष्ठानों को देखते हैं, तो इसमें है स्ट्रा बोर्ड मिल साजापुर, स्ट्रा बोर्ड पनीरी संयंत्र ग्वालियर जबलपुर भोपाल, तो पोषण आहार है ये सब। यही बात कर लेते हम लोग प्रमुख कॉम्प्लेक्सों के बारे में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देवास में, ये याद रखिए। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इन देवास में। स्टेनलेस स्टील कहाँ है कॉम्प्लेक्स? सागर में। चमड़ा कहाँ है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर। एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर परदेसीपुरा। फार्मा पार्क बेटमा धार में है, याद रखिए। आगे बात करते हैं हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। SEZ का प्रकार, फिर विकासकर्ता एजेंसी का नाम एवं पता, फिर प्रस्तावित स्थल और वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी प्रोडक्ट सेज। क्या है मल्टी प्रोडक्ट सेज? इसका विकासकर्ता कौन है? विकासकर्ता एजेंसी का नाम पता, तो यह औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, इस जिला धार में होना है स्थल। प्रदेश का प्रथम ग्रीन फील्ड सेज SEZ जो कार्यगत है वर्तमान इंदौर में 28 उद्योगों को भूमि आवंटित, जिसमें लगभग 950 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है तथा 4,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इससे 5 इकाइयों द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया इसने। दूसरा है हमारा क्रिस्टल IT पार्क इंदौर, तो इसका विकास करता है औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, जिला इंदौर में है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने ITSEZ हेतु अधिसूचित किया है। फिर है हमारा मल्टी प्रोडक्ट सेज, ये औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर द्वारा विकास करता है इसका एजेंसी, जिला ग्वालियर में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य, भारत सरकार ने सिद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है इसे। फिर है IET
या ITESEZ इंदौर, ये मेडिकैप्स लिमिटेड इंदौर ने किया है, जिला इंदौर में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वाणिज्य भारत सरकार ने सिद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। फिर है IT या ITESEZ इंदौर, पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली, जिला इंदौर में। पार्श्वनाथ डिव डेवलपर्स लिमिटेड, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वाणिज्य भारत सरकार से सिद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई। फिर प्रोडक्ट अगला कौन सा है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम SEZ सीधी, ये मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई है, इसके विकास करता सीधी जिले में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। से मिनरल एंड मिनरल वेस्ट ओके विकास निगम जबलपुर में, हरमड़ जिला जबलपुर। बोर्ड ऑफ अप्रूवल, वाणिज्य भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। हरगढ़ जल प्रदाय योजना, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। अब बात कर लेते हैं अन्य केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के बारे में। भारत, पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पिपलानी 1961-62 में, स्विच गियर कंट्रोल गियर ट्रांसफार्मर भोपाल टरबाइन टेक्सन। फिर दूसरा है नेशनल न्यूज पेंटर पेपर नेपा नगर जिला खंडवा 1956-57 में, अखबारी कागज। फिर IISCO एक्टेशन पाइप एंड फाउंटी कंपनी लिमिटेड उज्जैन 1968-69, ढलवा लोहे के पाइप। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देखते हैं, राज्य सरकार के सरकारी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, तो इसमें क्या देखना है। पहला है रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज कहाँ है, रतलाम में। इसकी स्थापना हुई 1963-64 में, उत्पादन करता है स्पिरिट एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर है दूसरा ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड ट्रेनरी, इसकी स्थापना हुई 1958 में, यहाँ जूते तंबू त्रिपाल बनते हैं। ग्वालियर प्रोटीज ग्वालियर, तो यहाँ चीनी के बर्तन बनते हैं। कलेंडरिंग प्लांट उज्जैन 1962 में स्थापना हुई थी, रंगाई एवं विरंजन तथा परिष्करण बनते हैं। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर, यहाँ ठोस कमानी बनती है। छाता मऊ उद्योग कहाँ है, मऊ में। इंजीनियरिंग बक्स कहाँ है, इंदौर में। देवास देवास इलेक्ट्रिकल्स देवास में, या ऊष्मारोधी उपकरण बनते हैं। वुरुस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज कहाँ है, इंदौर में, या खेल सामग्री बनती है। कृषि उपकरण फैक्ट्री कहाँ है, खंडवा में, या पंप्स एवं पंपिंग सेट बनते हैं। मेंटल वर्क्स विदिशा में, यहाँ बनते हैं GI कटीले तार और तार की कीलें। साइकिल उद्योग का है, गुना में साइकिल एवं उप साधन बनते हैं। कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन, तो यह फर्नीचर बनता है। फर्नीचर वर्क्स जबलपुर, तो यह फर्नीचर उत्पादन होता है। भोपाल उद्योग, यहाँ भी फर्नीचर। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा स्थापित सानावद कताई मिल सनावद में है, 1963-64 में स्थापना हुई, सूती धागा बनता है। मध्य प्रदेश केंद्र राज्य की संयुक्त उपक्रमों की बात करें, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसलपुर जिला जबलपुर में, मध्य प्रदेश लैम्प्स लिमिटेड विदिशा में, मध्य प्रदेश गिलाय कॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। अब बात करते हैं आगे, मध्य प्रदेश
मैं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं संचार मंत्रालय के अंतर्गत, देखते हैं क्या देखते हैं। संचार मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर, इसकी स्थापना कभी 1943-44। उत्पादन कब हुआ, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ उपकरण। तो याद रखिए संचार मंत्रालय के अंतर्गत है गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर, इसकी स्थापना हुई 1943-44 में। यहाँ उत्पादन होता है टेलीफोन एवं टेलीग्राफ उपकरण का। अब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देखते हैं, तो बात करते हैं गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में, इसकी स्थापना हुई 1943-44 में। यहाँ उत्पादन होता है युद्ध सामग्री का, ठीक है। अगली है गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में, इसकी स्थापना हुई 1943-44 में। युद्ध सामग्री यहाँ भी बनती है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में 1955 में हुई इसकी स्थापना। रक्षा एवं भारी व्यावसायिक वाहन बनते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, इसकी स्थापना हुई 1943-44 में। युद्ध सामग्री बनती है यहाँ। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, यहाँ भी युद्ध सामग्री बनती है। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में, कच्चा लोहा बनता है या उत्पादन होता है। अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, क्या देखना है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, इसकी स्थापना हुई 1967-68 में। नोट छापने का कागज बनता है यहाँ। करेंसी पेंटिंग पेस देवास 1943-44 में, कागजी मुद्रा। एल्कोलाइड फैक्ट्री नीमच रेल मंत्रालय के अधीन है, 1975-76 में इसकी स्थापना हुई। अंश परिष्कृत कोडीन नार्कोटीन उत्पादन होता है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल 1975-76 में रेल डिब्बों का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं खनन मंत्रालय के अंतर्गत, तो नादर्न कोल फील्ड लिमिटेड सेगरौली सीधी, यहाँ कोयला उत्पादन होता है। हिंदुस्तान कोपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट, यहाँ तांबा उत्पादन होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत, तो बात करते हैं द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल में 1938-39 में हुई है इसकी स्थापना। सूती कपड़ा एवं सूत यहाँ होता है। हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन 1934-35 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ उत्पादन होता है सूती कपड़ा एवं सूत का। अगला है स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड इंदौर 1928-29 में हुई यहाँ स्थापना इसकी। सूती कपड़ा एवं सूत उत्पादन होता है। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड इंदौर 1907-08 में इसकी स्थापना हुई थी। सूती कपड़ा एवं सूत है उत्पादन होता है। कल्याण मल मिल्स लिमिटेड इंदौर, इसकी स्थापना हुई 1934-35 में। सूती कपड़ा एवं सूत उत्पादन होता है। बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड बुरहानपुर 1906-07 में सूती कपड़ा एवं सूत यह उत्पादन होता है। अब बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत, तो एक कॉटन सीड साल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन 1963-65 में, 63-64 में कपास बीज एवं मूंगफली का तेल बनता है यहाँ, ठीक है। तो ये थे मध्य प्रदेश के व्यापार, उद्योग व्यापार, ठीक है। अगले लेक्चर में बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित तथ्यों के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार।